ओए ओए ये क्या कर रहे हो, हाथ ही जल रहे हैं आपके? नहीं आप पक्के हो, हाथ पक्के हो गए हैं, आयरन मैन हो आप? बचाओ जल्दी। अरे यार आप क्या कर रहे हैं? ओ हो हाँ, चाय भी इनसे पियेंगे इंशाल्लाह, अभी हमें बहुत जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, अफ्तारी के बाद तो भाई चाय के बगैर मैं इससे नहीं आ जाता। चलो यहाँ इतना रश लगा हुआ है, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के अंदर और हम यहाँ बंस रोड पर मौजूद हैं। मेरे पीछे सारा रश नज़र आ रहा है, इधर भी है, इधर भी सारा रश है। हम यहाँ पे थोड़ा सा अफ्तारी के सीन वगैरह देखेंगे, यहाँ पे अफ्तारी कैसे चल रही है, कैसे लोग यहाँ पे अफ्तारी के लिए आ रहे हैं, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठ के अफ्तारी करेंगे, हम भी यहीं पे बैठ के अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। और आज मैं इस टाइम अकेला तो नहीं हूँ, अली भाई भी साथ है, साथ में खैर मैं ढूंढ के आता हूँ। गुम गए थे, मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये गुम गए थे, ये ढूंढ के लाया हूँ। ये मुस्तफ़ा भाई पाकिस्तानी, यार आपने पाकिस्तानी तोरण क्यों बने थे आप? बस यार लोगों लोग जो है ना रिजेंबल करते हैं ना, तो लोग जो है मोहब्बत के अंदर कहते हैं कि भाई आपकी शक्ल बड़ी मिलती है। यार ये जो देखो, ये माशाल्लाह से हम रश लगा हुआ है और ये वही पॉइंट है जहाँ पे ये सुपर शाहीन शिनवारी और ये साथ में बहीजे कबाब, ये जो है रश है। और यहाँ पे भाई ये देखो, ये समोसे चल रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ख़त्म हो गए इतनी जल्दी? अभी और आएंगे, पीछे बन रहे हैं। अच्छा ये कौन से समोसे हैं? हाँ कीमे वाले, ये वॉन्टोन, वॉन्टोन। अच्छा दिखाओ, ये रोल है चिकन वेजिटेबल, चिकन वेजिटेबल रोल है ये, सही हो गया माशाल्लाह, ठीक है। और ये आगे जो है यहाँ पे समोसे पकोड़े भी हैं, ये वन बाइट समोसा, ये कितने का है? 15 रुपए का, सही हो गया माशाल्लाह। ये जो है ये पकोड़े हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किस तरह दे रहे हैं? 120 रुपए पाव दे रहे हैं, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये कचौरी है, दाल की, दाल की कचौरी। अच्छा ये ऐसे ही खाई जाती है कि इसको दाल के साथ या चनों के साथ खाते हैं? ये आलू की तरकारी से खाई जाती है, तो ये बन रही है माशाल्लाह, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ बन के बाद बनेगा? अभी नहीं बन रहा, अफ्तारी के बाद बनेगा, अफ्तारी के बाद बनेगा इंशाल्लाह, सही। पार्सल कर रहे हैं, अच्छा पार्सल चल रहा है अभी, सही हो गया, सही है। ये जो है पीछे यहाँ पे समोसे बन रहे हैं और ये यहाँ पे जो है ये कीमे वाले और आलू वाले रोल है। अरे यार अब क्या करें, ओ हो मीठी टिक्की छोटे वाली, सही है। और ये जलेबियाँ हैं माशाल्लाह, ये जलेबी ताज़ी ताज़ी बन रही है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? कजला, कजला। अच्छा ये कजला है, ये रमज़ान में चलता है ना यहाँ पे, सही हो गया। और ये अंदर से है, और ये जी रमज़ान में जो है ना, पूरे रमज़ान में पाकिस्तान में ये रमज़ान की इफ्तार की शान होती है, सहरी की भी और अफ्तारी की भी। इसे फेनी बोलते हैं, ये फेनियाँ यहाँ पे लगी हुई है माशाल्लाह इनके पास। इसको दूध में डाल के खाते हैं? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं खाते, इसको दूध में डाल के, चीनी डाल के थोड़ी सी इसको डिप करके रखते हैं थोड़ी देर, फिर चम्मच से खाते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या चीज़ है भाई? ये कबाब मसाले, लौंचड़े, लौंचड़े हैं ये? हाँ वो छोटा वाला, ये लाल है वो पीला है, ये वजह क्या है? कड़क होते हैं, नरम होते हैं। ये क्रिस्पी वाले हैं? कड़क है, कड़क है, ठीक है, कड़क है वो, नरम है इसके चटनी और साथ में नरम, ये साथ में प्याज होती है इसके, चटनी जो है ना इसका, चटनी साथ ये है, ठीक हो गया, सही हो गया। यहाँ चपातियाँ बन रही हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तवे वाली रोटी, ये है सामने सुपर शाहीन शिनवारी और ये इसके ऑपोजिट साइड पे ये है दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी दिल बहार दही बड़े। इनके पास भी माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ है। पाकिस्तान में कहीं पे भी अफ्तारी हो, कहीं पे भी, किसी शहर में भी हो, दही भल्ले, फ्रूट चाट, खजूरें तो लाजमी सुन्नत है, और समोसे, पकौड़े, जलेबी, फेनिया, रूह अफजा का शरबत, जामी श्री दूध में डाल के, देखो मैंने दोनों की पब्लिसिटी कर दी, रूह अफजा की भी कर दी, जामी श्री की भी कर दी। अच्छा दूसरी बात ये कि ये दही भल्ले नहीं है, ये दही बड़े हैं, दही बड़े हैं, ये मीठे वाले, हाँ पकौड़ियाँ, दही भल्ले ये सारे चलते हैं, ये दही बड़े हैं, मीठे वाले दही बड़े हैं, कराची में यही चलता है ना, कराची में ये, कराची में चलता है। इनके पास सेटअप देखते हैं इनका क्या चल रहा है। भाई दही बड़े बन रहे हैं, ये आलू चने हैं, खाली चने हैं, साथ में ये पापड़ी है, वो दही बड़े कहाँ बना के रखे हैं भाई, खाली दही के सब पैक कर दिया है, सब पैक करके रख दिया आपने, वो कहाँ से दाल कहाँ पे रहे हैं, खत्म कर दिया? अच्छा बना के रखा हुआ है, ये सही है, ये सीन। अच्छा
ये साथ में मसाला, ठीक हो गया। कितने का पैकेट है ये? आधा किलो 260 रुपए। आधा किलो 260 का। कितने बंदे खा लेते हैं? तीन बंदे शेयर कर लेते हैं माशाल्लाह। हाँ, ये जो है इनके चने स्पेशल होते हैं, चने के साथ मसाला। अच्छा, मीठे मीठे बल्ले मीठे बड़े होते हैं ये, उसमें साथ में ये नमकीन मसाले मसाले वाले चने होते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है ना पूरा अफरा तफरी वाला माहौल है। उसकी वजह ये भी है कि अफ्तारी में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, और ये सिर्फ कराची वंस रोड नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तो यही माहौल होता है। हर जगह पे, हर शहर में जहाँ पर भी दही भल्ले मिल रहे होते हैं, या जो है आलू चाट मिल रही होती है, या समोसे खासतौर पर समोसे पकौड़े मिल रहे होते हैं, हर जगह पर यही माहौल होता है। अभी यहाँ पर भी देख लेते हैं मज़ीद क्या चल रहा है। यहाँ पर हलीम सेंटर, इनके पास भी बहुत रश लगा हुआ है यार। अफ्तारी में हलीम भी खाते हैं? कराची में सब कुछ खाया जाता है। पहचान गए आप? शुक्र, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्र है भाई, यहाँ बंदा नहीं खाया जाता, वरना ये बंदा भी खा जाते हैं। बस जी, बहुत शुक्रिया दुआओं की दरख्वास्त। कराची हलीम है, इसको हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन ये रश माशाल्लाह देखिए आप। ये भाई रश लगा हुआ सारा ये कराची हलीम पे। इस वक्त एक कन्फ्यूजन ये भी हो रही है हमें कि हमने अफ्तारी में क्या खाना है। हम देख तो रहे हैं सारा कुछ, यहाँ पर जितना माहौल चल रहा है, मुझे लग रहा है जितना रश यहाँ पे है, हमें भी बारी भारी में हमें भी बहुत टाइम लग जाएगा चीज़ लेते वक्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शरबत है मोहब्बत, ये क्या है जी? ये पाकोला है। पाकोला है, सही है, ये पाकोला है और ये तरबूज का शरबत है। ये पाकोला सिर्फ कराची में मिलता है ये। वाह जी, ये कितने का ये पैकेट है? ये 50 का पैकेट है। एक गिलास है, दो गिलास है ये? गर्मी में हाँ, ठंडा ठंडा बहुत आला। अफरा तफरी है भाई, हाँ जी, अफरा तफरी है हर तरफ। यहाँ इतना रश लगा हुआ है, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? ओह, ये ताली जलेबी बना रहे हैं, सही हो गया माशाल्लाह। पकौड़े समोसे, जहाँ पे भी पकौड़े समोसे होंगे वहाँ पे सादा वो आपको रचना बहुत नज़र आएगा इंशाल्लाह। ताज़ियाँ ताज़ी जलेबियाँ यहाँ बन रही हैं। और ये भाईजान, ये अफ्तारी में सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये खजूरें, इसके बगैर अफ्तार नामुकम्मल होता है। ओहो हो, आप ये देख रहे हैं ये और पार्किंग। हाँ, दही भल्ले, दही बड़े और वो फ्रेस्को के दही बड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक ठाक है, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, ये क्या है? सर ये खट्टे आलू है, काले छोले और सफ़ेद छोले। क्या बात है, ये खट्टे आलू? जी सर। और ये सफ़ेद छोले हैं? ये काले छोले, काले छोले। कितने का पैकेट दे रहे हैं ये? 70 रुपए का सर। 70 रुपए का, हर एक का पैकेट 70-70 का है? जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। अफ्तारी में खाएंगे तबीयत तो नहीं खराब होगी? इंशाल्लाह मैं 30 दिन यहाँ खड़ा हूँ, तबीयत खराब होगी उसके पैसे भी मैं दूंगा। तबीयत अच्छी कर देते, बहुत शुक्रिया। बड़े चल रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये सब ठीक है, मुझे ये बताया हमने अफ्तारी में क्या करना है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी तक हमने कुछ लिया नहीं, अब हमें लेना पड़ेगा, अर्जेंट में, रश बहुत ज्यादा है। ले ले, वरना यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा, हम कवर करते करते रह जाएंगे। ये अफ्तारी से पहले है और सहरी के बाद है। ये सही बात है। फ्रेस्को बेकरी, अरबी पराठा, दही बड़े और अरबी पराठा फेमस है इनका। ये पूरी बेकरी है अंदर। अच्छा, ये है अरबी पराठा, यार ये ले लेते हैं अफ्तारी के लिए। ये बहुत आला लग रहा है माशाल्लाह। कैसा है खाने में? ज़बरदस्त है। आपने देखी मेरी वीडियोस? आप चुप करके खड़े हो, बता नहीं रहे आप। अच्छा बॉस, हाँ वो भी खड़े हैं यहाँ पे माशाल्लाह। लाहौर में वो खाने गए थे आप, लाल छोले? हाँ जी, लाहौर में रहता हूँ मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आया स्पेशल, बस यहाँ भी खाइए, बस यही खाते हैं इंशाल्लाह। नारी बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं की दरख्वास्त है जी। ओहो, ये जी निम्को है, फ्रेस्को निम्को, ये इनके पास भी दही बड़े हैं। इधर भी बहुत रश लगा हुआ है। अच्छा यार, अभी जो है ना कवर सारा हमने देख लिया, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, हमने अपनी अफ्तारी भी करनी है,
तो हमने ये अरबी पराठा यहाँ से लिया और चल के देखते हैं हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फिर वो बैठ के इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। अकील भाई से खट्टे आलू ले लेंगे हम, मैंने कभी खाया नहीं है जिंदगी में, पहली दफ़ा ट्राई करूँगा इंशाल्लाह इसको, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेकिन लेते हैं कितने के हैं ये, 40 के? 70 रुपये का, 70 रुपये का पैकेट है, एक पैकेट दे दें या पसंद करेंगे सर? आलू खट्टे आलू दे दें। बहुत शुक्रिया जी, चटनी ज़रूर डालिएगा सर। बहुत शुक्रिया, ठीक है डालेंगे इंशाल्लाह। यार ये हम अपने लिए जो है ना ये फ्रेस्को के दही बड़े भी ले रहे हैं। वालेकुम भाई, खजूर किस तरह दे रहे हैं? 100 रुपये पाओ। 100 रुपये पाओ, 50 की दे दें हमें। 50 की भाई, यहाँ पे जो ना हमने कुछ खजूरें ले ली हैं, फ्रेस्को से दही बड़े ले लिए और फ्रेस्को से ही अरबी पराठा भी ले लिया, और साथ में शकील भाई जो थे वो कच्चे मसाले वाले आलू ना, खट्टे आलू दे रहे थे, वो भी हमने उनसे ले लिए। अभी हम बैठते हैं चल के और वहाँ चल के अफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह। अफ्तारी से वक्त जो पहले का वक्त होता है ये दुआ का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। रमज़ान की सिर्फ मुख्तसर 29 से 30 दिन होते हैं जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम दुआ मांग के अपने मतलब इस वक्त के ऊपर अल्लाह से दुआएं मांग के अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें, मुल्क के हालात के लिए दुआएं करें, पूरी उम्मत के मुसलमानों के लिए दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें इंशाल्लाह। सीन हो भाई, पब्लिक में घुस गया, इधर ना घुसे। ये जी बंस रोड कराची में ऊंट। हाँ जी, क्या लिया? क्या ले रहे हैं? ये फ्राई आइटम ले रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, हम ले आए हैं, ले आए हम आपके लिए दही बड़े ले आए हैं फ्रेस्को से, हम आपके लिए अरबी पराठा ले आए हैं। फ्रेस्को से मिल गया आपको? मिल गया, ले लिया हमने। हाँ, और हमने अरबी पराठा भी ले लिया है, और वहाँ पे खट्टे आलू दे रहे थे शकील भाई, वो खट्टे आलू भी ले लिया हमने। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। सही है। अभी आप क्या ले रहे हैं आप यहाँ से? ये पाकोला मिल्क बनवा दे फिर आपके लिए। पाकोला मिल्क पिया अभी तक आपने? नहीं पिया। अरे तो आपने इसका मतलब कुछ किया ही नहीं कराची में आके ना? नहीं, मैंने किया है। हाँ। वो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने क्या किया पब्लिक में नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, चले सही है। सही चल रहा है काम? आप तो रोजा सारी में यही खाते होंगे? डेली रोजा। आप 30 दिन के 30 रोजा इसी से खोलेंगे? भाई गुलाब जामुन जलेबी समोसा हमारी सेहत का राजी है, मैंने बिल्कुल पतला दुबला हुआ करता। आप खा के माशाल्लाह। सही है, सेहत तो ना, फिर ये तो मोटापा हो गया। ये पाकोला मिल्क बन रहा है यार, मुझे बता दो ऐसे छन छन कर देंगे। पहले कोई बार टेंडर तो नहीं थे आप? ये जो है ना पाकोला मिल्क का सेटअप तैयार हो गया, ठीक है। इसमें पाकोला डाली है भाई ने, और आपने पाकोला ड्रिंक डाली है, फ्लेवर डाला है? फ्लेवर डाला है। फ्लेवर नहीं चाहिए भाई, अजान हो गई है और हमारा अफ्तारी का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाह। ये पकोड़ा मिल्क है, ये पी लेते हैं बिस्मिल्लाह। ये मुस्तफा भाई के कहने पे स्पेशल, ये कह रहे थे अगर आप आदमी कराची कोई भी आता है मैं जबरदस्ती पिलाता हूँ। अच्छा, ये नहीं पिया आप? इसके ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं है? लोग कहते हैं मुझे यार, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है बिस्मिल्लाह। ओए होए, अच्छा इसमें मीठा ज़्यादा नहीं है यार, माशाल्लाह इतना कुछ हो गया। हम बस लगे हुए थे अपने काम में और हमें पता भी नहीं चला, अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतना इंतजाम कर दिया। तो जी हमारे पास जो है खट्टे आलू हैं, पान बना कौन है? अच्छा ठीक है, ये सारा जो है ना अरबी पराठा, ये दही बल्ले और ये खट्टे आलू, ये सारा हमारे सामने इफ्तारी का सामान आ गया। अब इसको ट्राई कर लेते हैं बारी बारी। ये पूरा ऐसे खाया जाता पूरा आलू? बिस्मिल्लाह। मसाला लगाया था जो लीमू और थोड़ा सा धनिया डाल के दिया हुआ उन्होंने, फ्लेवर है ना आलू, उबला हुआ आलू है, उसके ऊपर उन्होंने खट्टा लगाया, थोड़ा मसाला लगाया हुआ और थोड़ा धनिया डाला हुआ उसके ऊपर। यहाँ ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं जी, चिकन रोल, चिकन रोल ये ट्राई कर दें। अच्छा जितनी भी अफ्तार की चीज़ होती है ना ये फ्राइड होती है, ये खा के ना तभी थोड़ी बोझल होती है। पकौड़े जो हैं पकौड़े मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, लेकिन ये जितनी जिस तरह की चीज़ें ना ये फ्राइड आइटम्स होती हैं, रोल्स होते हैं, समोसे होते हैं, ये ज़्यादा मुझसे भी नहीं खाए जाते, तभी थोड़ी ना इसे भारी होना शुरू हो जाती है, लेकिन चीज़ अच्छी है। थोड़ी सी अफ्तारी करते हैं फिर नमाज पढ़ के खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तबीयत बोझल हो जाती है। जब आप 20 तरावियाँ पढ़ते हैं तो ख़त्म हो जाता है। जी ये दही बड़े फ्रेस्को के स्पेशल, मुझे बहुत ज़्यादा ये मुझे बहुत लोगों ने कहा इसका कि यार आपने ये खाने हैं, छोड़ने नहीं वहाँ जाके, ये ट्राई करें अफ्तारी में बिस्मिल्लाह। राय जी बहुत मज़े के, मीठा बहुत कमाल है, मसाला इसके ऊपर लगा हुआ
और जो भल्ले हैं ना जो बड़े बने हुए बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुए, बहुत ज़्यादा जज्ब नहीं किया, उसकी ना अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बरकरार है, उसके वजह से उसका टेस्ट भी अलग आ रहा है, दही का टेस्ट और मसाले का टेस्ट अलग अलग आ रहा है। अच्छी चीज़ है ये अरबी पराठा है। ये चीज़ क्या है मुझे अंदाज़ा नहीं है, कोई कीमे वाला पराठा है कोई? वाह, कीमे अंडे वाला। जी ये ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। यार ये ना चिकन कीमे वाला पराठा है, लेकिन मैदे की जो लेयर है ना ऊपर वाली, ये बहुत थिक लेयर है इसके ऊपर, ये बहुत थोड़ा ड्राई है, लेकिन कुछ रायता वगैरह इसके साथ रायता वगैरह नहीं मिलता क्या जी? इसके कोई रायता शायद नहीं मिलता मिलता है? हाँ, ये रायते का खाने वाली चीज़ है। पहले गलत वाला भी लिया, पहले हमारा मज़ेदार नहीं था, वो मीठा नहीं था ज़्यादा, तो मुझे लग रहा था शायद वो ओरिजिनल है, लेकिन ये ओरिजिनल है बकौल मुस्तफ़ा भाई के। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। हाँ ये आया ना मज़ा, अब मज़ा आया ना। हाँ उस पहले वाले में मीठा थोड़ा कम था, इसमें मीठा मुनासिब है। जो पकोला है वो आइसक्रीम सोडा होता है, उसका उसको दूध में डाल के और बर्फ़ में डाल के थोड़ा सा ऐसे शेक करते हैं और फिर ये बनाते हैं। अच्छी चीज़ है यार ये, यार ये जेन्युइन वाकई बड़ा मज़ेदार है। मतलब हम लोग दूध अफ़ज़ा पीते हैं, जामे शरीफ डालते हैं इसके दूध के अंदर, लेकिन ये पकोला मिल्क डालते हैं यहाँ पर कराची में, और ये यहाँ की सिग्नेचर आइटम है यार, वाकई बहुत मज़े का ये जेन्युइन बाहर था। अच्छा जी, हमने अफ्तारी वहाँ पे कर ली बंस रोड पे, अभी हम यहाँ पे आए हैं बहादराबाद का एरिया, ये बहादराबाद के एरिया में, ये मेरी बैग पे है कोयटा आलमगीर होटल, यहाँ के लच्छे वाले पराठे पूरे पाकिस्तान में मशहूर, वो इनसे ट्राई करेंगे ओरिजिनली जो ये बनाते हैं कैसा बनाते हैं उसको वो ट्राई करते हैं। उसके बाद इनके पास और भी कोई पराठे होते हैं इनके पास? उसके अलावा पराठे होते हैं इनके पास, होते हैं न्यूटेला पराठा, होते हैं चिकन चीज़ पराठा, चीज़ पराठा, आलू चीज़ पराठा, आलू वाला पराठा, इनके पास चाय, चाय, हाँ चाय भी इनसे पियेंगे इंशाल्लाह। अभी हमें बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, अफ्तारी के बाद तो भाई चाय के बगैर मैं इससे नहीं आ जाता। तो अभी जो है यहाँ से इनके पास पराठे वगैरह चेक कर लेते हैं, सीन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चाय वगैरह कैसी बन रही है और पराठे कौन कौन से अवेलेबल हैं वो जाके चेक कर लेते हैं। ये भाई इनका इस सामने जो है इनकी सिटिंग है, चाय का सेटअप भी सामने है, और इसके बिल्कुल अपोजिट ही जो गली के अंदर दरख्त है, दरख्त के बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है इनका चाय का सेट, ये पराठे का सेटअप है, पराठा बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? माशाल्लाह, ये क्या बना रहे भाई? सर ये आलू चीज़ है और आलू पराठा है। आलू चीज़ वाला आलू पराठा, आलू पराठा बना रहे हो? ये क्या है भाई? ये लच्छे का पेड़ा है। लच्छे का पेड़ा है ये? बड़ी यार गुम्बद से कौन सी बनाई हुई है इन्होंने, ये देखो ये कॉन्स वगैरह बना के ना इसको ये इस तरह घुमा घुमा के अपने पेड़ा बनाया इसका, बल करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम निसार है। निसार भाई ऐसा करें दो लच्छे वाले पराठे कर लें, ठीक है, एक न्यूटेला और एक आलू चीज़, ठीक है जी, सही होगा। ये क्या बना रहे हो? आलू चीज़ बना रहे हैं, ये चीज़ आ गई। अच्छा पूरा चीज़ का स्लाइस ही डाल दिया आपने यार इतने पिद्दे से पराठे में, इसका टोटल साइज इतना ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होता ये, ठीक है यार। ये देखो ये मेरा हाथ है और ये छोटा सा पराठा है, ये मेरे हाथ से भी छोटा है। लो जी ये रेडी हो गया हमारा आलू चीज़ पराठा। अच्छा ये जी लच्छे वाले पराठे, इसको आपने पहले से खोल के रखा हुआ है? दिस इज द लच्छेदार। इधर यार बहुत शरारती लड़का है ये। क्या नाम आपका? अतीकुल्ला। हाँ अतीकुल्ला, यार ये इतना छोटा सा पराठा है, ये देखो जरा ये चार उंगलियों से भी छोटा है, इतना छोटा सा, इसने पूरे पाकिस्तान को वक्त डाला हुआ है। ओए ये क्या कर रहे हो, हाथ ही जल रहे हैं आपके? हाथ पक्के हो गए हैं, आयरन मैन हो आप? ये इस तरह बनाना इसको ज़रूरी है, इसके लच्छे खुल जाते हैं और घी अंदर चला जाता है। हाथ दिखाओ ज़रा अपना, ये देखो ज़रा तेल, गरम तेल उसी से वो लगा हुआ है। अच्छा इसके ऊपर न्यूट्रेला लगा दिया, मैं समझा अंदर लगाते हैं। ये देखो चाय जल्दी है, ये देखो दो लच्छे वाले, एक आलू चीज़ वाला, लच्छे वाले दो थे भाई, एक और ले आओ, एक और ले आओ लच्छे वाला। तो जी ये इसको यहाँ से ट्राई करते हैं, ये देखो यार क्या हालत क्या होगी इसकी, देखो ये पराठे का क्या बन गया है, इसका कमाल ही ऐसा है, यही ऐसे ही खाने वाला है ये तो, ऐसे ज़्यादा बिस्मिल्ला। घी अंदर तक गया हुआ और अंदर तक जरा कमाल टेस्ट आ रहा है इसका, अंदर वाली लेयर जो है वो मीठी मीठी है थोड़ी थोड़ी, और बाहर वाली क्रिस्पी है, अंदर वाली नरम और मीठी है। इसके साथ चाय का सिप,
इस नाश्ते की वाइब ही अलग है, इस नाश्ते का स्वैग, इस नाश्ते का लेवल ही अलग है। जितने मर्जी नान चने खा लें, जितने मर्जी पाए खा लें, ये जो चाय पराठा ना, ये पूरे पाकिस्तान में चलता है। केपीके में चले जाएँ, केपीके में भी चाय पराठा, यहाँ पर भी चाय पराठा, पंजाब में भी चाय पराठा। इस नाश्ते का अलग ही लेवल है यार। वो अलग बात है कि हम इस टाइम एज अ डिनर स्वामी जी खा रहे हैं, लेकिन नाश्ते में बड़ा कमाल लगता है ये। अभी जो ये आलू चीज़ पराठा है इनका, बिस्मिल्ला, फीलिंग बड़ी कमाल है। आलू जो है ना बिल्कुल पिस चुके हुए हैं, बिल्कुल पेस्ट बना हुआ आलू का, मसाले ना डाले हुए हैं, जीरा और सूखा धनिया, वो बहुत कमाल के लग रहे हैं सारे। अच्छी फीलिंग है इसकी, मज़ेदार। इन सारे पराठों में एक चीज़ कॉमन है, आटा गूंदा हुआ है, वाइट आटा ये, सफ़ेद आटा इसको बोलते हैं, वो बहुत मीठा है यार। उसके अंदर शायद इन्होंने उसकी जब उसको गूँध रहे होते, गूँधने के दौरान शायद उसके अंदर इन्होंने कोई मीठा ऐड किया है या कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है, वो मीठा पराठा है। मतलब आप सिंपल पराठा भी खा लोगे, उसमें हल्की हल्की मिठास आएगी, वो हल्की हल्की जो मिठास है ना, वही बड़ी कमाल की होती है। अभी आखिरी चीज़ें नुटेला पराठा, मैं समझ रहा था कि नुटेला जो है ये इसके अंदर लेयर्स के अंदर भर के इसको पकाएंगे, लेकिन इन्होंने भाई लच्छे वाले पराठे के ऊपर ही जो है नुटेला लगा के इसको रेडी कर दिया। ये देखो, पराठा पहले से मीठा है, ऊपर से नुटेला। ब्लास्ट हो गया मीठे का पूरा खा। पराठा पराठा है, न्यूटेला का फ्लेवर सबको पता है। पराठे के साथ जब न्यूटेला मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा यार, कमाल चीज़ है। ओके जी, यह वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। स्पेशल थैंक्स टू अली भाई, तीसरी चौथी दफ़ा मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका। थैंक यू आपका कि आप आए कराची, कराची नहीं यार, मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है और बड़ी अच्छी बात है कि मतलब ये अली भाई मिले। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना नहीं भूलना, स्टोरीज लगती हैं, आपसे बातचीत होती है, गपशप होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। अली भाई से मुलाकात हुई इंस्टाग्राम के ऊपर, आपसे भी मुलाकात होगी चला इंस्टाग्राम के ऊपर। ये अली भाई का इंस्टाग्राम यहाँ पे दे देता हूँ, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में अली भाई का इंस्टाग्राम लिंक में दे रहा हूँ। जिम ट्रेनिंग, ही इज़ अ जिम ट्रेनर, मॉडलिंग करवानी है तो ये मॉडल भी है। बहुत इनकी पिक्चर देखो आगे, बड़ी लट किस्म की पिक्चर। तो भैया आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब यार, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बहुत ज़रूरी है। इनको प्रमोट करें, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत है भाई सब्सक्राइब की, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपके प्यार की भी ज़रूरत है। और इसको देख लो, यहाँ पे आओगे तो इससे ऑर्डर करना है, ये बहुत तेज़ बच्चा है। आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।